तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो यह है सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह मैं आंगन झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा पानी आंगन में छिड़ती हूँ। ये तो पाइप से ही छिड़ती हूँ आंगन में, क्योंकि पूरा धूल धूल हो गया है। झाड़ू लगाते वक्त बहुत धूल उड़ता है, तो इसी वजह से झाड़ू लगाने से पहले मैं पानी पूरा आंगन में छिड़ देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि पानी से पूरा धूल बैठ जाता है तो झाड़ू लगाने में भी अच्छा लगता है तब, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त पानी, वही क्या बोलते हैं, धूल नहीं उड़ता है। तो इसी वजह से झाड़ू लगाने से पहले मैं आंगन में पानी डाल लेती हूँ। तो आंगन में पानी छींटने के बाद अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने से पहले आंगन में पानी छींट लेने से उतना धूल नहीं उड़ता है। अभी पूरा सूखा है, इसी वजह से धूल बहुत उड़ता है। तो इसी वजह से मैं झाड़ू लगाने से पहले पानी डाल लेती हूँ, आंगन में छींट लेती हूँ। तो पानी पहले छींट लेने से अच्छा होता है, पूरा धूल बैठ जाता है और अच्छे से झाड़ू भी लग जाता है। और जितना मिट्टी है, मिट्टी को भी एक साइड कर सकते हैं और कचरा को एक साइड निकाल सकते हैं। और पूरा अभी बारिश नहीं है, आप लोगों को भी पता ही होगा, तो इसी कारण पूरा धूल पूरा सूखा हो गया है। तो इसी कारण झाड़ू लगाते वक्त बहुत ही धूल उड़ता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो धूल नहीं उड़ रहा है। तो चलिए फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा लेने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और पूरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। पूरा आंगन को क्लीन करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और आप लोगों को कैसा लगता है ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो उस साइड झाड़ू लगा दी हूँ आंगन, अभी इस साइड झाड़ू लगाने आई हूँ। और झाड़ू लगा के पूरा झाड़ू लगा लेने के बाद जितना कचरा है कुआं के इस साइड में जमा कर लेती हूँ, आप लोग देख सकते हो। और झाड़ू लगा लेने के बाद आंगन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और बेड़ा में जो जो फटा पड़ा था वो सारा बेड़ा के अंदर मैं फेंकती हूँ। आंगन झाड़ू लगा लेने के बाद इधर मैं आई हूँ टैंकी को साफ़ करने के लिए। तो इधर आप लोग देख सकते हो पूरा मेरा बेटा पूरा टैंकी के ऊपर अपना खिलौना जितना है सारा बिखेर के खेलता है और पूरा धूल मिट्टी के साथ खेलता है, आप लोग देख सकते हो। तो सारा खिलौना को मैं उस साइड फेंक दूँगी, झाड़ू लगा के साइड कर दूँगी, उसके बाद अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो कितना साफ़ हो गया है टैंकी। सारा खिलौना को टैंकी के उस साइड में रखती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ तेल लगाने के लिए। बहुत दिन हो गया था, सर में मैं तेल नहीं लगाई थी, तो थोड़ा सा नारियल का तेल दी हूँ। और इसमें थोड़ा ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, दोनों को ऐड करके फिर मैं लगाऊँगी। और बहुत दिन हो गया था नहीं लगाई थी, तो इन दोनों को अच्छे से घोल लूँगी। इधर आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से घोल ली हूँ, अभी मैं लगाती हूँ लगाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ तेल लगाने के लिए। तो बहुत दिन हो गया था, 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया था मैं सर में तेल नहीं लगाई थी। आप लोग देख सकते हो पूरा बाल मेरा पूरा ड्राई हो गया है। तो तेल लगा लेने के बाद फिर आधा एक घंटे के बाद मैं सर को धो लूँगी और जो भी काम है तेल लगाने के बाद करूँगी। आधा एक घंटा लग ही जाएगा काम करते करते, तो तब तक सिर में भी तेल लगा रहेगा। तेल लगा लेने के बाद इधर मैं आ गई हूँ किचन को पोछा लगाने। तेल लगा लेने के बाद तो मैं झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगाते वक्त नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसी वजह से। तो अभी मैं पोछा लगाने आई हूँ, तो पोछा लगा लूँगी और बरंडे को भी मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं हेयर को वॉश करूँगी। फिर पोछा आप लोग देख सकते हो और किचन पूरा गंदा हो गया है। उस दिन भी मैं पोछा नहीं लगाई थी, सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दी थी। तो आज मैं सोची पोछा लगा देती हूँ। आप लोग देख सकते हो फर्श कितना गंदा है, तो पोछा लगाने के बाद फर्श बहुत ही साफ हो जाता है। तो चलिए फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं हेयर वॉश कर ली हूँ, नहा के भी आ गई हूँ, अभी खाना बनाना है। तो आज मैं बनाऊंगी मूली और सरसों का साग मिला के बनाऊंगी। और घर का साग है, जब गांव में लगाए थे तो मेरे हस्बैंड कल लेकर आए थे। मूली और सरसों का साग ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। तो दोनों को मिला के मैं बनाऊंगी और हम लोग किस तरीके से बनाते हैं साग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हो, आप लोगों को अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से किचन में और साग बनाते वक्त। तो चलिए, तो इधर मैं तैयार की हूँ मिर्च, दो हरी मिर्च और ये लहसुन और ये अदरक। अदरक को काट ली हूँ, अभी मैं लहसुन को कूटूंगी और अदरक को भी कूटूंगी। तो चलिए फिर मैं कूट लेती हूँ, फिर बनाती हूँ साग। तो इधर मैं लहसुन अदरक को कूट ली हूँ और मिर्च को काट ली हूँ। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो तेल गर्म हो गया है। पहले मैं लहसुन को डालूंगी, फिर मिर्च को, फिर उसके बाद साग। लहसुन डाल दी हूँ, मिर्च भी डाल दी, अभी हल्का सा ब्राउन करूंगी लहसुन को। तो अभी मैं आ गई हूँ साग को हाथ से ही मरोड़ूंगी, दो टुकड़ा करूंगी हाथ से ही। तो साग को मैं पहले ही धो के रखी थी। तो इधर आप लोग देख सकते हो हाथ से मरोड़ के दो टुकड़ा कर दी हूँ। तो मैं काटूंगी नहीं साग को, ऐसे ही करके साग बनाऊंगी। और इस तरीके से हम लोग बना के खाते हैं, अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी लगता है। कभी कभार बिना काटे भी बनाते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो लहसुन ब्राउन हो गया है। तो अभी मैं डाल दी हूँ साग, फिर इसमें मैं डालूंगी हल्दी, नमक डालूंगी, फिर उसके बाद चलाऊंगी एक दो मिनट तक, ढक के पकाऊंगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो नमक डाल दी हूँ, हल्दी डालूंगी, तो स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ, तो हल्दी भी डाल दी हूँ। अभी इसको चला दूंगी, साग को चलाऊंगी और एक मिनट या दो मिनट तक ढक के पकाऊंगी। तो चलिए फिर मैं पका लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एक दो मिनट हो गया है, अभी मैं ढक्कन हटा के देखूंगी, लगभग साग पक गया है। अभी एक दो मिनट के बाद निकालूंगी। तो अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक, निकालने से एक दो मिनट पहले ही अदरक डालना है साग में, तब साग का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अदरक का जो सेंट होता है बहुत ही अच्छा आता है साग में अदरक डालने से। तो लगभग हमारा साग पक गया है, एक दो मिनट के बाद पक जाएगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं हमारा साग पक गया है। तो चलिए फिर मैं खाने जा रही हूँ खाना, आप लोग भी खा लीजिए साग भात और मूला का चटनी, हम लोग थे भी बोलते। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, तो चलिए फिर आप लोग भी खा लीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो हेलो गाइस, मैं खाना खा लिया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अभी मैं स्टिचिंग करूँगी। तो खाना तो हो गया है, और आप लोगों को साग का रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी मैं स्टिचिंग करूँगी। जो उस दिन आप लोगों को मैं दिखाई थी मेखला चादर, तो उसको स्टिचिंग करना है। मेखला तो मैं कल रात को ही कर दी थी स्टिचिंग, अभी मुझे ब्लाउज सिलना है, तो ब्लाउज का कटिंग करूँगी अभी। तो कटिंग करने के बाद फिर ब्लाउज सिलूँगी। तो चलिए फिर थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ और स्टिचिंग करती हूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। तो इधर मैं आ गई हूँ ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए, ब्लाउज़ कटिंग करूँगी, उसके बाद स्टिचिंग करूँगी।
तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरा चैनल में नए हो, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।